ये है कल्ट एम्बिशन स्मार्टफोन का रिव्यू, और ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये कल्ट हैंडसेट आपको खरीदना चाहिए या इसे कल्ट ही दे देना चाहिए। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और इस हैंडसेट का अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने कर दिया है। उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उससे आपको इस हैंडसेट के बारे में अधिक जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल शुरू करते हैं कैमरा से। ये है कैमरा का इंटरफेस। रियर कैमरा जो है वो 13 मेगापिक्सल का है और जो फ्रंट कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है। कैमरा क्वालिटी की अगर बात करें तो वो एवरेज है, मतलब कि अगर आप जो शॉट्स लिए हैं उसे छोटे स्क्रीन पर देखेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप इसे बड़े स्क्रीन में कंप्यूटर पर देखेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। ये है मेरा सेल्फी शॉट, सेल्फी भी ठीक ठाक आ जाती है। और ये जो दूसरा शॉट है ये है हाइड्रेंट का शॉट जो मैंने रियर कैमरे से लिया हुआ है। रियर कैमरे की क्वालिटी जैसे कि मैंने कहा वो एवरेज है। ये है पत्तों का शॉट और ये है पेड़ का शॉट। ये जितने भी शॉट्स आप देख रहे हैं ये सारे शॉट्स मैं अलग अलग हैंडसेट्स के साथ में खींचता हूँ, क्योंकि कंपैरिजन में काफ़ी आसानी हो जाती है। ये है लॉन्ग शॉट, ये भी ठीक ठाक आ गया है। और अगर लो लाइट शॉट्स की बात करें तो वो भी ठीक ठाक है, इतना कुछ खास नहीं है। ये हैंडसेट 720p वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकता है। ये वीडियो मैं 720p रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो क्वालिटी भी ठीक ठाक है। जैसे कि मैंने कहा इस हैंडसेट की जो कैमरा क्वालिटी है वो एवरेज है, फोकसिंग अच्छी कर लेता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यही हैंडसेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वीडियो को शूट करने के लिए, और यहाँ पर आपको जो फोकसिंग है उसका थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए, अब पेड़ पे ध्यान दीजिए और अब बैकग्राउंड पे ध्यान दीजिए। अब मैं वीडियो को चल के रिकॉर्ड करूँगा तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये जो हैंडसेट है कितना शेक होता है। ये देखिए, काफ़ी शेक हो रहा है, इतना स्मूथ नहीं है। तो ये हैंडसेट का जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो एवरेज है। मैंने एंटूटू बेंचमार्क स्कोर रन किया था और मुझे स्कोर मिला था 28,000 के आसपास, जो कि ठीक ठाक है, क्योंकि ये मीडियाटेक क्वाड कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रहा है। ये जो एस्पॉल्ट 8 गेम है ये लैग हो रहा है हाई विजुअल क्वालिटी मोड में, लेकिन जब मैं इसे मीडियम विजुअल क्वालिटी मोड में खेलने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर ये काफ़ी स्मूथ है। जैसे कि मैंने कहा, ये मीडियाटेक क्वाड कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रहा है जो इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन रोज़मर्रा के नॉर्मल यूसेज के लिए काफ़ी है। इस हैंडसेट में 2600 mAh का बैटरी है और उसे चार्ज करने के लिए मुझे लगे तकरीबन 3 घंटे, और फुल चार्ज पर आपको मिल सकते हैं तकरीबन 4 से 6 घंटे का नॉनस्टॉप यूसेज। मतलब कि ये हैंडसेट फुल चार्ज पर आपको तकरीबन 1 दिन का बैटरी लाइफ दे देगा। हैंडसेट का परफॉर्मेंस अच्छा है नॉर्मल यूसेज के लिए, गेम्स के लिए नहीं। स्क्रीन की जो क्वालिटी है वो इतनी खास नहीं है, और ये जो स्क्रीन है ये 2-point मल्टीटच सपोर्ट करता है। नेटवर्क्स का मुझे कोई भी इश्यूज़ नहीं आया, रिलायंस जियो सिम काम कर रहा था, और साउंड भी काफ़ी लाउड और क्लियर है। बैटरी लाइफ की अगर बात करें तो वो ठीक ठाक है, इतना भी कुछ खास नहीं है। ये कल्ट एम्बिशन स्मार्टफोन की कीमत है 5,999 रुपये। इसकी एक ख़ास बात यह है कि इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, उसके अलावा ये हैंडसेट इतना कुछ खास नहीं है। Redmi 5A एक बेहतर ऑप्शन है, लेकिन Redmi 5A में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं आता है। तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये कल्ट खरीदना चाहिए या इसे कल्ट ही दे देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो बेल आइकन है इसे एनेबल करना मत भूलिए, क्योंकि जब कभी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। देखते रहिए।